हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग माय इंजीनियरिंग ग्राफिक्स वीडियोस। नाउ आई एम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल द टर्म्स, ऑल द कॉन्सेप्ट्स अबाउट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रोजेक्शंस, क्योंकि प्रोजेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोजेक्शंस आप समझ जाएंगे तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को समझाने में मुझे आपको बहुत आसानी होगी। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस पे जाने से पहले थोड़ा प्रोजेक्शंस हम समझते हैं, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन समझते हैं, व्यूज कैसे लिए जाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस पर। तो प्रोजेक्शंस की बात करूं, प्रोजेक्शंस तो बहुत सारे होते हैं, मगर मैंने यहाँ पे उतने ही प्रोजेक्शंस को लिया है जिससे मैं आपको कुछ क्लियर कर पाऊं और साथ साथ में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस को समझने में आसानी कर पाऊं। तो मैंने यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस लिए हैं सारे के सारे पैरेलल प्रोजेक्शंस लिए हैं, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन और ऑब्लिक प्रोजेक्शन मैंने लिया हुआ है। दिस ऑल आर पैरेलल प्रोजेक्शंस। इसमें इनको पैरेलल प्रोजेक्शंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितने भी प्रोजेक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे आपस में पैरेलल होते हैं। अब आगे बात करेंगे प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि फिगर के थ्रू मैं समझाऊंगा तो वो समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं सब चीजों को जो जो मैंने मेंशन किया इस क्लासिफिकेशन। ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन को मल्टी व्यू प्रोजेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम जो भी ऑब्जेक्ट्स के स्केचेस करते हैं वो टू डायमेंशन होते हैं, यानी कि हमें जो व्यूज मिलते हैं इसमें वो 2D व्यूज मिलते हैं, यानी कि एक व्यूज से हमें ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको मोर देन वन व्यू में कंप्लीट करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं जो माउस का कर्सर है उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज राइट हैंड साइड व्यू। ओके, तो मैंने क्या किया, यहां से अगर इस सपोज एक क्यूब है, ओके, तो क्यूब का मैं फ्रंट व्यू ले रहा हूं, तो फ्रंट व्यू में क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे, ये साइड मिलेगा और ये साइड मिलेगा। ओके, बाय डिफॉल्ट क्यूब में सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो मुझे पता है कि लेंथ, वेट और हाइट तीनों आपस में बराबर होंगे। बाय चांस ये क्यूब ना हो के कोई क्यूबॉइड होता, फिर क्या होता, तो वहां से मुझे लेंथ और इसकी हाइट मिल पाती। क्या मिल पाती? लेंथ और हाइट मिल पाती। कौन से व्यू में? फ्रंट व्यू में। तो मुझे इसका मतलब से एक व्यू में मेरा सारा इंफॉर्मेशन नहीं मिला किसी इस ऑब्जेक्ट के बारे में, क्यूबॉइड के बारे में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे दूसरे व्यू पे जाना पड़ेगा, यानी कि फिर उसका टॉप व्यू देखना पड़ेगा। तो टॉप व्यू, सो दिस इज अ टॉप व्यू। आप देखेंगे टॉप व्यू में क्या मिलेगा, मुझे लेंथ मिलेगा और इसकी विड्थ मिल जाएगी, इस बार विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि मुझे एक व्यू से सारी इंफॉर्मेशन ना मिलेगी, इस वजह से मैं इसको अलग अलग व्यूज में ड्रॉ करूंगा, लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। तो इसलिए हम इसे मल्टी व्यू बोलते हैं, उसमें सारे व्यूज हमें टू डायमेंशनल मिलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में और ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे फिगर मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, आप समझ सकते हैं दीस ऑल आर पिक्टोरियल ड्राइंग्स। अब बात करते हैं पिक्टोरियल ड्राइंग होती क्या है। एक्चुअली वह सारी पिक्टोरियल ड्राइंग होती है जिसे अपन 3D ड्राइंग बोलते हैं, यानी कि 3D ड्राइंग को ही पिक्टोरियल ड्राइंग कहा जाता है, जिसमें एक व्यू में हमें ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन या कह सकते हो सारे डायमेंशंस मिल जाते हैं। जैसे कि बात करें इस ऑब्लिक प्रोजेक्शन की, तो इसमें जैसे लेंथ, इसकी हाइट और इसकी विड्थ आपको नजर आ रही है। एक्सोनोमेट्रिक की बात करें, इसमें इसकी हाइट आपको, इसकी विड्थ, ओके, और इसकी लेंथ, इसकी विड्थ आपको नजर आ रही है। तो आपको तीनों डायमेंशंस इसमें दिख रहे हैं, क्योंकि इसमें, क्योंकि मल्टी व्यू में क्या था, एक्स और वाई एक्सिस यहाँ पर थी, यानी कि टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स थे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो गए, तीन डायमेंशन में आ गए, यानी कि अब तीन एक्सिस यहाँ पे रोल प्ले करेंगी, एक्स वाई और जेड। ओके, तो पहले बात कर लेते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्शन के बारे में। देयर इज अ टाइप ऑफ पिक्टोरियल ड्राइंग यू ऑलरेडी नो। तो ऑब्लिक प्रोजेक्शन की खासियत क्या है? ऑब्लिक प्रोजेक्शन जो प्रोजेक्शन है उसकी एक खासियत है, या कह सकते हैं उसकी एक पहचान है, कि उसमें जब भी आप देखेंगे उसको 3D में, तब जो सामने वाला फेस होगा वो हमेशा आपको एक्चुअल सेम साइज का मिलेगा, जैसे कि आपको मल्टी व्यू में फ्रंट व्यू में नजर आता था। ओके, तो मल्टी व्यू यानी कि ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में जो फ्रंट व्यू में आपको क्यूब नजर आता था जो साइज का, सेम वही आपको
इसके फ्रंट वाले फेस में नजर आएगा, चाहे इसकी पोजीशन कुछ भी हो। ऑब्लिक प्रोजेक्शन की एक खासियत है कि फ्रंट वाला जो फेस होता है वो एक्चुअल शेप और साइज का आपको नजर आता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ऑब्लिक प्रोजेक्शन होता क्या है। अब बात करते हैं अगले की, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर आता है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जो आज का अपना टॉपिक है। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन की बात करें तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, तीन, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ पिक्टोरियल ड्रॉइंग। ओके, इसके तीन क्लासिफिकेशन होते हैं, आइसोमेट्रिक, फिर होता है, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, डायमेट्रिक होता है, ट्राइमेट्रिक होता है। तो इसके तीन क्लासिफिकेशन बेसिकली होते हैं। तो अपन इसको समझ गए एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या है। पहले मैं क्या करूंगा, ऑर्थोगोनल और एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन को थोड़ा सा और विस्तार में समझाने की कोशिश करूंगा, उसकी अगली स्लाइड मेरी इसी पर है। आप देखेंगे कि ये जो लेफ्ट साइड में आपको फिगर नजर आ रहा है, ये किसका है, मल्टी व्यू प्रोजेक्शन। किसका है, मल्टी व्यू, जैसे कि अपन देखा था ना अभी, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन उस पे बेस्ड है और राइट साइड वाला किस पे बेस्ड है, एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन पे बेस्ड है। तो इससे बहुत सारे डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा जो आगे आपको नहीं आने वाले। तो इस स्लाइड को आप अच्छे से फोकस करिएगा, इस कंटेंट को आप अच्छे से पढ़िएगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ओके, अभी ऑब्जेक्ट में बाय डिफॉल्ट क्यूब ही ले रहा हूं ताकि मुझे आपको समझाने में बहुत आसानी हो। तो ये क्यूब है, ओके, अब ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर ने क्या किया, इस क्यूब को किसी डिस्टेंस से देखा, देखने पे क्या होगा, इसको एक इमेज नजर आएगी, इमेज का नजर आएगी ऑन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये जो प्लेन आपको नजर आ रहा है, ओके, दिस प्लेन इज नॉन एज प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जो प्रोजेक्शन मिलने वाला है, जो व्यू मिलने वाला है ऑब्जर्वर को, वो इसी प्लेन पे मिलने वाला है। ओके, तो दिस इज अ प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो आपने इस ऑब्जेक्ट को देखा तो आपको इसका ये वाला पोर्शन, यानी कि फ्रंट में जो पोर्शन होगा वो नजर आपको आएगा, यानी कि क्यूब का जो फ्रंट व्यू होता है दैट इज अ स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर नजर आएगा, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी डी ए। ओके, एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जितने भी लाइन्स ये नजर आ रही हैं आपको, डैश लाइन नजर आ रही हैं, देखिए चार डैश लाइन नजर आ रही हैं आपको, चारों के चारों लाइन जो कहलाती हैं प्रोजेक्टर्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, प्रोजेक्टर्स। तो इसमें देखेंगे आप चारों के चारों प्रोजेक्टर कैसे आपस में पैरेलल हैं, कैसे हैं पैरेलल, इसीलिए इसको पैरेलल लाइन प्रोजेक्शन के कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इसमें जितने भी प्रोजेक्टर्स होते हैं सारे आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। और साथ साथ में एक चीज और है कि जितने भी प्रोजेक्टर्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे चार दिख रही लाइन आपको, डैश लाइन चार दिख रही है ना, तो चारों चारों प्रोजेक्टर कैसे हैं, जो प्लेन है, तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी जिसपे आपको प्रोजेक्शन मिलने वाला है, इसके हैं परपेंडिकुलर, यानी कि प्लेन और इसमें जो रिलेशन है आपस में कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये 90 डिग्री एंगल मेंटेन करेंगी ये जो प्रोजेक्टर्स होंगे, किससे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन से। तो यही दो चीज कॉमन है किसमें, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में भी। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर आपको इसमें क्या क्या दिखेगा, इसमें लेंथ ऑफ आपको हाइट नजर आएगी, विड्थ के लिए आपको टॉप व्यू देखना पड़ेगा, यानी कि मल्टी व्यू पर जाना पड़ेगा, इसमें आपने ओनली फ्रंट व्यू देखा था। अब बात करते हैं फिगर नंबर टू की, दैट इज ऑफ राइट साइड। तो एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट है, इसे हमने टिल्ड करके किसी एंगल पे सेट किया हुआ है। अब इसका व्यू आप देखेंगे तो इसका व्यू मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसका व्यू 3D बना है। इसमें क्या बना था, इसमें 2D फिगर था, ABCD। ओके, इसमें 3D फिगर है, यानी कि तीनों के तीनों मुझे डायमेंशंस विजिबल है, लैंड विड्थ और हाइट। और मैंने इसके जो ABCD जो फेस था उसको यहां से रिप्रेजेंट किया, ABCD, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। ओके, साइटिंग मैंने सामने से किया, मगर जो व्यू है मैंने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया। साइट को इस साइड से भी रिप्रेजेंट कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं किसी साइड से रिप्रेजेंट किया, यहां से भी मैं रिप्रेजेंट इसको कर सकता था। इसमें भी चीज कॉमन है, आप देखें जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं सारे सारे कैसे हैं, इस आपस में पैरेलल हैं, और सारे के सारे प्रोजेक्टर इस प्लेन के, यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आगे, टाइप्स ऑफ एक्सोनोमेट्रिक। यहाँ पे तीन टाइप्स हैं, ए आइसोमेट्रिक, बी डायमेट्रिक, तीन ट्राइमेट्रिक। यानी कि आइसो मतलब क्या होंगे, सेम, यानी कि तीनों बराबर होंगे, डाई मतलब टू, ओके, इसमें दो बराबर हैं, ट्राई मतलब तीन, इसमें तीनों अलग अलग हैं। ओके, आपको नाम से ही क्लियर हो जाएगा।
अब पहले बात करते आइसोमेट्रिक की। तो आइसोमेट्रिक में क्या होगा, यहाँ पे तीन एक्सिस होंगी, एक यहाँ पे एक्स नाम दे दिया, इसको वाई नाम दे दिया, इसको जेड नाम दे दिया। अब तीनों जो एक्सिस हैं ये आपस में क्या है, पहले चीज जो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट लिया है क्यूब, तो इस क्यूब में बात करें ये तीनों साइड, ये एक दो और ये तीन, आप देख पा रहे हैं माउस से कर्सर से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, वन टू और थ्री, ये तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल थ्री इक्वल एक्सेस, यानी कि तीनों क्या है यहाँ पे इक्वल है। ओके, तीनों एक्सेस क्या है इक्वल है यहाँ पर, और साथ साथ में क्या है यहाँ पर थ्री इक्वल एंगल्स, यानी कि जो एंगल मेंटेन कर रहे हैं ये एक्सेस आपस में, यानी कि एक्स और वाई 120, y और z that is 120 और z and x that is 120, यानी कि यहाँ पे तीनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, that is क्योंकि टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है, डिवाइड बाय 3 करेंगे you will get 120, तो टोटल कितना एंगल हुआ ये 360 हुआ, तो ये तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, मतलब एक्सेस के बीच का जो एंगल होगा कितना हो जाएगा 120 डिग्री ईच हो जाएगा। और किसमें होगा ये, आइसोमेट्रिक में। ओके, इसमें बात करें डायमेट्रिक में, इसमें दो एंगल आपको क्या होंगे, सेम होंगे, और एक एंगल इसमें कुछ और ही होगा, यानी कि इन दोनों से भिन्न होगा। देखना है इसमें दोनों एंगल कितने, 110 है, इसमें एक एंगल कितना है 140 डिग्री है। अब बात कर जाए ट्राइमेट्रिक की, तो ट्राइमेट्रिक में अगेन यू कैन सी दीज थ्री एंगल्स आर टोटली डिफरेंट, ये 110 है, ये 130 है, ये 120 है, इसलिए इसे ट्राइमेट्रिक कहा जाता है। तो अपना जो फोकस है, आपको समझ में आ गया होगा आइसोमेट्रिक डायमेट्रिक ट्राइमेट्रिक में क्या अंतर होता है, एंगल्स का बेसिकली अंदर होता है। ओके, जिसमें तीनों एंगल सेम होंगे दैट इज आइसोमेट्रिक, जिसमें कोई भी दो एंगल सेम होंगे, हो सकता है ये ऊपर वाले दो एंगल सेम हो जाएं, ये दो एंगल सेम हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। दीज आर डायमेट्रिक एंड ट्राइमेट्रिक में दीज थ्री एंगल्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एक्सोनोमेट्रिक में तीनों एक्चुअली होते क्या है। अब बात करते हैं अपन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की। अब आए अपन काम के मुद्दे पर, व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो पहले मैं आइसोमेट्रिक को समझाने की कोशिश करूंगा, फिर अगले स्लाइड में बताऊंगा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता क्या है। आइसो मींस क्या होता है, सेम, यानी कि इक्वल, यहाँ पे बात करेंगे इक्वल की। मैट्रिक मींस जिसे कहते हैं मेजर, तो उसका मतलब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का मतलब क्या हुआ, सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मेजर, यानी कि एक सिस्टम ऐसा है जिसमें प्रोजेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इक्वल मेजरमेंट ले रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे तीनों मेजरमेंट क्या है, यहाँ पे इक्वल है। ओके, यहाँ पे हर चीज क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। ओके, अब बात करते हैं अपन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में मैंने देखा यहाँ पे व्हाट इज आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिंगल व्यू प्रोजेक्शन, जिसे मैंने बताया था एक ही व्यू में अपन को सारे ऑब्जेक्ट की डिटेल्स मिल जाती है। ओके, ये क्या है, दिस इज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, दिस इज मल्टी व्यू, मगर ये क्या है, दिस इज अ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, इसमें एक व्यू में सारी डिटेल्स अपन को ऑब्जेक्ट के बारे में मिल रही है, तो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे सिंगल व्यू। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज अ टाइप ऑफ सिंगल व्यू प्रोजेक्शन इन विच अ पिक्टोरियल व्यू, पिक्टोरियल व्यू मतलब 3D, ओके, 3D पिक्चर यू कैन से, 3D व्यू is obtained by keeping the object in such a way that all the three mutually perpendicular geometrical axes are equally inclined to the plane of projection. यानी कि यहाँ पे जो एक्सेस होंगी, सपोज इसको मैंने एक्स नाम दिया, इसको वाई नाम दिया और इसको जेड नाम दिया, तो तीनों में यहाँ पे क्या होगा, आपस में सेम एंगल होगा, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट है ना, सपोज दिस ऑब्जेक्ट, ओके, इस ऑब्जेक्ट को किया क्या मैंने, जो फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है ना, इसको क्या किया मैंने, पहले तो इसको मैंने रोटेट किया, क्या किया इसको मैंने रोटेट किया, रोटेट करने के बाद पीछे से इसको यहां से उठा दिया, यानी कि उसको यहां से लिफ्ट कर दिया, लिफ्ट करने के बाद मुझे जो ऑब्जेक्ट नजर आएगा दैट इज आइसोमेट्रिक व्यू, और यू कैन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। ओके, आपको क्लियर होगा, मगर इसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कुछ चीज और है जो फोकस करने लायक है। इन दिस प्रोजेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, जैसे कि अपन प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं, एनेक्सोमेट्रिक में डिस्कस किया था हमने कि जितने भी प्रोजेक्टर्स होते हैं आपस में पैरेलल होते हैं, वो सारे प्रोजेक्टर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यानी कि प्रोजेक्शन प्लेन से 90 डिग्री मेंटेन करते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसमें
आइसोमेट्रिक एक्सेस के बारे में, आइसोमेट्रिक लाइंस के बारे में, नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस के बारे में और आइसोमेट्रिक प्लेन्स के बारे में अब बारी बारी पढ़ेंगे है क्या। पहले बात करते हैं आइसोमेट्रिक एक्सेस के बारे में। ओके, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर में देखिए, जो सबसे ऊपर फिगर बना हुआ है, यहाँ पे मैंने एक्सेस ड्रॉ किए हैं बाय रेड लाइन। ओके, एक ये है, एक ये है और एक ये। सपोज इसको मैंने एक्स नाम दिया, इसको वाई, इसको जेड नाम दिया। ओके, द लाइन्स ए बी ए डी ए, मतलब इस प्लेन से, इस एक्सेस से बनने वाली जो साइड्स हैं, या यू कैन से लाइंस ए डी ए बी और ए ई, ये तीनों लाइन क्या कर रही है, एक पॉइंट पे मीट हो रही है, यानी कि पॉइंट ए पर मीट हो रही है एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद ईच अदर, यानी कि ये लाइंस आपस में क्या कर रही है, 120 डिग्री एंगल मेंटेन कर रही है। तो इन्हीं तीनों एक्सेस को क्या कहा जाएगा, आइसोमेट्रिक एक्सेस कहा जाएगा। याद रखें, आइसोमेट्रिक एक्सेस कब कहेंगे, जब ये तीनों एक्सेस आपस में 120 डिग्री मेंटेन करेंगी। अगर ये एंगल कम ज्यादा हो गया तो ये आइसोमेट्रिक एक्सेस नहीं कहलाएंगी। ओके, आइसोमेट्रिक एक्सेस तभी कहलाएंगी जब तीनों एक्सेस के बीच का एंगल कितना होगा, 120 डिग्री के बराबर होगा। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक लाइंस क्या होती हैं। ओके, द लाइंस पैरेलल टू द आइसोमेट्रिक एक्सेस आर टर्म्ड एज आइसोमेट्रिक लाइन, यानी कि कोई भी लाइन इस फिगर में जो इन एक्सिस के पैरेलल होंगी, ये तीन एक्सिस दिख रहे हैं ना आपको, एक्स वाई और जेड, ये तीनों एक्सिस के पैरेलल जो लाइन हो गई वो लाइन आइसोमेट्रिक लाइन कही जाएंगी। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां से लेकर यहां तक एक लाइन ड्रॉ की, फॉर एग्जाम्पल अब ये लाइन मैंने कैसे ड्रॉ की है, सपोज ये लाइन ड्रॉ की मैंने एम और एन। ओके, अब ये एम एन क्या है, इस ए बी के पैरेलल है, यानी कि इस एम एन को मैं क्या कहूंगा, आइसोमेट्रिक लाइन ही कहूंगा। सपोज यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, डी से सी के बीच में मैंने मिड पॉइंट मार्क किया और एच जी के बीच में मिड पॉइंट मार्क किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इस लाइन को नाम दिया मैंने पी क्यू। ओके, अब ये पी क्यू क्या है, इस ए के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, ए के पैरेलल। तो उस लाइन को मैं क्या कहूंगा, उस लाइन को भी मैं आइसोमेट्रिक लाइन कहूंगा, यानी कि ऐसी लाइन जो इनमें से किसी भी प्लेन से पैरेलल हो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी प्लेन से, ये जरूरी नहीं कि सारे प्लेन से पैरेलल हो, किसी भी एक प्लेन से कोई लाइन पैरेलल होगा इस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसको आप आइसोमेट्रिक लाइन बोल सकते हो। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नॉन आइसोमेट्रिक लाइन की, यानी कि ऐसी लाइन जो किसी भी प्लेन के, सॉरी, किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो। ओके, जैसे कि आप ये फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में ये जो तीन एक्सिस मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे आइसोमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। अब ये तो आइसोमेट्रिक लाइंस थी, क्योंकि ये जो लाइन थी ये किसके पैरेलल थी, दोनों के दोनों एक्स के पैरेलल थी, मगर ये लाइन है जो किसी के पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको कहेंगे नॉन आइसोमेट्रिक लाइन, यानी कि ये तीनों के तीनों एक्सिस में से किसी से भी पैरेलल नहीं है, इसलिए इसको कहा जाएगा नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल इंग्लिश ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। मेरा मोटो यही इस लेक्चर का, आपको एक बार में क्लिक होनी चाहिए सारी चीजें। अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक प्लेन के बारे में। अब ये जो आपने एक्सेस देखे हैं, एक्सेस से मैंने बताया आपको कि जितनी भी लाइंस मैं ड्रॉ कर रहा हूं इन एक्सेस से अगर पैरेलल है तो आइसोमेट्रिक लाइंस कहलाएंगी। अब कोई भी आइसोमेट्रिक लाइन देख लो आप, तो अगर उन आइसोमेट्रिक लाइन से मिलके कोई प्लेन बन रहा है, अगर इस ऑब्जेक्ट में, इस फिगर में इन आइसोमेट्रिक कोई भी आइसोमेट्रिक लाइन है उनसे मिलकर कोई प्लेन बन रहा है, तो उन प्लेन को आप बोल सकते हो आइसोमेट्रिक प्लेन, ठीक है। इससे आसान शब्दों में शायद मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसमें कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर लें, मगर वो लाइन कैसी होनी चाहिए, आइसोमेट्रिक लाइन होनी चाहिए। और आइसोमेट्रिक लाइन कब होगी, जब इन आइसोमेट्रिक एक्सेस के वो पैरेलल होंगी, और उन लाइन से बना लें आप कोई प्लेन को, कोई सा प्लेन बना सकते हैं, किसी भी पोजिशन पे आप ड्रॉ कर लें, तो उस प्लेन को मैं आइसोमेट्रिक प्लेन कह सकता हूं। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, अब आइसोमेट्रिक पोजिशन की बात करेंगे, मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, एक्चुअल में हुआ क्या था, मैंने उसको कैसे रोटेट किया, किस पोजिशन पे रखा, और एक्चुअली आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में होता क्या है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, यानी कि उसके डायमेंशंस क्या हो जाते हैं, स्लाइटली शॉर्टर हो जाते हैं, नियर अबाउट 18% या 19% के आसपास वो शॉर्ट हो जाते हैं। अब ऐसा शॉर्ट वो हुए क्यों, क्या कारण था उसके पीछे, तो इन फिगर के थ्रू मैं आपको वो कॉन्सेप्ट, वो बारीकियां बताना चाहूंगा, जिससे कि आप इसे समझ पाए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पहला वाला, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ये पहला स्टेप है,
सबसे लेफ्ट वाला फिगर मीडियम जो बीच में फिगर है दैट इज स्टेप नंबर टू, और ये तीसरा फिगर दैट इज स्टेप नंबर थ्री। तो तीन स्टेप में बताऊंगा। पहले मैंने क्या किया, इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू लिया, ऑर्थोग्राफिक व्यू यानी कि 2D बनाया, यानी कि क्यूब रखा हुआ, इसका मैंने फ्रंट व्यू लिया। आप देख सकते हैं प्रोजेक्शन प्लेन पे मुझे एज अ ये स्क्वायर नजर आ रहा है, तो ये फ्रंट व्यू बन गया। तो मैंने फ्रंट व्यू को यहाँ रिप्रेजेंट किया, यू कैन सी दिस इज फ्रंट व्यू, मैंने यहाँ ड्रॉ किया। अब इसको जब मैं ऊपर देखूंगा तो आई विल गेट टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू के नीचे क्या ड्रॉ किया, मैंने टॉप व्यू ड्रॉ किया। अब देख रहे हैं यहाँ पे ए से लेकर बी तक एक लाइन बनी हुई है। अब ए से लेकर बी तक क्या है, इट इज अ डायगोनल। क्या है यहाँ पे, डायगोनल है, जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। तो ए बी को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एक लाइन से, दैट इज अ डायगोनल। यहाँ पे देखिए डायगोनल है, यहाँ पे देखिए इट इज अ डायगोनल। अब ये क्या बना हुआ, यहां से मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा एज अ साइड व्यू, ओके राइट हैंड साइड व्यू, तो मुझे ये साइड व्यू नजर आया। साइड व्यू में भी मैंने क्या किया, यहाँ पे एक डायगोनल को रिप्रेजेंट किया, दैट इज सेम ए बी। तो ये तो पहला स्टेप समझ में आ गया, पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में मैंने क्या किया, दूसरे स्टेप में इसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, अब इसी ऑब्जेक्ट को क्या किया मैंने, इसी ऑब्जेक्ट को मैंने घुमा दिया। क्या घुमा दिया, इसको मैंने इस तरह से घुमाया कि वीपी से ये इक्वली इंक्लाइंड हो जाए, यानी कि वीपी से इसके ये, सपोज दिस इज टॉप व्यू ना, आप कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, माउस के कर्सर पे, दिस इज टॉप व्यू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे जो इसको क्यूब को इस तरह से रखा, यानी कि इस तरह से इसको रोटेट कर दिया मैंने, पहले ये था टॉप व्यू, अब मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, अब पहला वाला फिगर देखिए, पहला वाला फिगर का टॉप व्यू देखिए, ये था। अब मैंने इसको घुमा दिया, इसको कितना घुमा दिया कि इसका जो साइड है ये वाला कितना एंगल हो जाए, इसका 45 डिग्री हो जाए, इसका भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कि इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इक्वली इंक्लाइंड। ओके इक्वली इंक्लाइंड मतलब मैंने क्या किया, पहले ये पोजीशन पे रखा इसको क्यूब को, अब मैंने पोजीशन में क्या किया, इसको रोटेट कर दिया, कितना रोटेट कर दिया कि ये साइड कितना हो जाए 45 डिग्री मेंटेन हो जाए, यानी कि ये इक्वली इंक्लाइंड हो जाए विद द वीपी। अब इक्वली इंक्लाइंड कर दिया वीपी, अगेन में आया इसके इस व्यू पर, जो फिगर मैं समझाने की आप कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने इसको सामने से देखा, सामने से क्या होगा, मुझे इस तरह से इसका व्यू नजर आएगा, यानी कि ये दिखेगा मुझे एज अ फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू मैंने बना लिया, एज इट इज बना हुआ, आप देखिए मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा माउस के, तो ये देखिएगा, तो यही सेम एज इट इज फ्रंट व्यू मैंने बनाया, यानी कि ये जो एज है, कितनी एज दिखेंगी मुझे, एक दो और तीन, ये तीन एज दिख रही है मुझे, 1 2 3, ये तीनों एज दिख रही है मुझे। ओके ये हो गया इसका साइड व्यू, क्या हो गया इसका साइड व्यू। साइड व्यू से देखिए आप, मैं डायगोनल का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ए बी। ओके तो आपको ये दो फिगर समझ में आएगा, पहले में मैंने क्या रखा, उसको सिंपली रखा वीपी के पैरेलल, फिर मैंने उसको वीपी से इक्वली इंक्लाइंड किया। अब मैं क्या करूंगा तीसरे स्टेप में, तीसरा स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। अब मैंने तो पहले क्या किया, मुझे करना क्या इसके अंदर, मुझे क्या करना था, इसको पीछे से ए पॉइंट दिख रहा ना आपको, सेकंड फिगर देखिए, मैंने ए पॉइंट को उठाना है, इसे लिफ्ट करना है यहां से, मैंने क्यूब को पकड़ना है यहां से, ऊपर खींचना है। जब क्यूब को यहां से ऊपर मैं लिफ्ट करूंगा, खींचूंगा इसको, कितने डिग्री पे खींचना है, अराउंड 35 पॉइंट समथिंग, ये 37 के आसपास मुझे इसको लिफ्ट करना है, 35 के आसपास ही जनरली एंगल होता है। तो मैंने ऐसे लिफ्ट किया, कितना लिफ्ट करना है, 35 डिग्री के आसपास। तो लिफ्ट करने पे मुझे एक ऐसी पोजीशन, ऐसी कंडीशन लानी है कि ये जो ए बी नाम का जो डायगोनल है जिसे अभी तक मैं ड्रॉ करता चल रहा था, ये इस प्लेन के हो जाए, यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के हो जाए परपेंडिकुलर, यानी कि उसके कैसे हो जाए 90 डिग्री पर आ जाए। तो अगर इसी पोजिशन से मैं उसको उठाता ए को, तो ये कभी भी परपेंडिकुलर नहीं हो पाता। हो पाता क्या, नहीं हो पाता, ए को उठाऊंगा तो अभी तो वैसा ही नहीं है परपेंडिकुलर, और नहीं होगा। तो मैं इसे क्या करूंगा, पहले तो घुमा दूंगा। तो मैंने अगली स्टेप में क्या, इसे घुमाया, घुमाने के बाद क्या, पूरा घुमा दिया इसको। घुमाने से क्या हो गया, ये ए पॉइंट यहां पर आ गया और बी पॉइंट चले गया पीछे, ए को आगे ले आया घुमाने के बाद, बी को ले गया पीछे। ओके फिर मैंने क्या किया, अब बी चले गया पीछे, तो बी तो कहां है, बी तो नीचे था, ए कहां था, ए ऊपर था। तो ए कहां पे आ जाएगा, ए आ जाएगा यहां पर और बी पहुंच जाएगा नीचे यहां पर। ओके ए आ जाएगा यहां पर और बी पहुंच जाएगा यहां पर। अब फिर मैंने क्या किया, इस बी को उठाया, बी को पकड़ा मैंने, बी पॉइंट को उसे लिफ्ट किया, लिफ्ट कितना किया, 35 डिग्री के आसपास लिफ्ट किया। तब हुआ क्या, तब देखिए आप इसको फिगर नंबर थ्री में देखिए, यहां पे लिखा है, मैंने बनाया यहां पे कि मैंने इसको रोटेट किया था और फिर मैंने बी को पीछे ले गया, ए को आगे ले आया, फिर मैंने बी को पकड़ के उठा दिया, कितना उठा, 35 डिग्री के आसपास लिखा हुआ देखिए, 35.16 मिनट, यानी कि नीचे लिखा हुआ 35.27 डिग्री, कितना एंगल उठाया मैंने इसको, 35.27 डिग्री। अगर 35.27 डिग्री उठाऊंगा तब जाके ये ए बी क्या होगा, इस प्रोजेक्शन प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि 90 डिग्री एंगल पर होगा, क्या होगा, ए बी यानी कि ए बी डायगोनल,
मुझे करना यही था, ए बी डायगोनल को इस प्लेन पर यानी कि प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पर मुझे करना था 90 डिग्री सेट। तो मैंने इसको 90 डिग्री कर दिया। कब किया मैंने, बी को पकड़ के उठाया, कितना उठाया, 35.27 डिग्री पर उठाया मैंने इसको। तो मैंने उसको उठा दिया और उठाने के बाद आप देखेंगे कि ये इसका फाइनल पोजिशन हो रहा है। अब मैंने इसका फ्रंट व्यू देखा तो फ्रंट व्यू मुझे ऐसा नजर आएगा। फ्रंट व्यू आप देखेंगे ये बाहर की जो साइड्स हैं, टोटल साइड्स आप देखेंगे आपको रेगुलर हेक्सागन नजर आएगा। कितना नजर आएगा, रेगुलर हेक्सागन। और इसकी सारी साइड क्या होंगी, थोड़ी स्लाइटली शॉर्टर हो जाएंगी। कैसी होंगी, स्लाइटली शॉर्टर। ये बनेगा इसका टॉप व्यू। ये साइड व्यू में देखिए, मैंने बी को उठाया ना, ए तो नीचे, ए तो ऊपर था, बी को कितना उठाया मैंने, बी को उठाया मैंने 35.16 मिनट यानी कि 35.27 डिग्री उठाया मैंने। तो पकड़ के मैंने इसको उठाया, लिफ्ट किया, ताकि ये ए बी क्या हो जाए, इस प्लेन के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, 90 डिग्री पर हो जाए, तब जाके मुझे ये पोजीशन मिलेगी। तो आप देख, राइट साइड में मैंने दो फिगर्स ड्रॉ किए। क्यों ड्रॉ किए, आपको समझाने के लिए। अब एक फिगर कौन सा था, ये फिगर है सेकेंड वाले फिगर का फ्रंट व्यू। कौन सा है, सेकेंड वाले फिगर का फ्रंट व्यू, जिसमें क्या हो रहा है, ये एजेस आपको नजर आ रहे हैं तीनों। अब ये वाला क्या है फिगर, नीचे वाला, ये है तीसरे वाले फिगर का फ्रंट व्यू। ओके, जब मैंने रोटेट करके इसे बी को लिफ्ट किया था, तो ये फिगर पे आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको साइड्स नजर आ रही हैं, ये साइड्स क्या हो गई है, देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, ये साइड्स आपको छोटी नजर आ रही हैं। इस बार क्या नजर आ रही है, शॉर्टर। और बाकी साइड भी देखिए, ये साइड और ये साइड, इनकी लेंथ में भी कुछ चेंजेस हुए हैं। तो ये क्यों चेंज हुए, क्योंकि मैंने इसको इस तरह से रोटेट करके लिफ्ट किया था। तो याद रखिए, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में क्या होते हैं, जितने भी डायमेंशंस होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो स्लाइटली शॉर्टर हो जाते हैं। और एक्चुअली जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ किया जाता है, वो उन्हीं शॉर्टर डायमेंशंस को लेकर ड्रॉ किया जाता है, ना कि एक्चुअल डायमेंशंस को। अगर एक्चुअल डायमेंशंस को लेकर आप ड्रॉ कर देंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो वो प्रोजेक्शन गलत हो जाएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो हम प्रोजेक्शंस के व्यूज ड्रॉ करते हैं, वो स्लाइटली छोटे हो जाते हैं। तो इसको ही समझाने के लिए मैंने ये फिगर यहाँ पे राइट में ड्रॉ किया था। अब एक फिगर और है, जिससे मैं इसी कॉन्सेप्ट को फिर से आपको समझाना चाहूंगा, ताकि अगर इसमें भी कोई डाउट्स आपको रहे तो उसमें क्लियर हो जाए। तो अगली स्लाइड मेरी उसी पर है। आप देखिए, एक न्यूमेरिकल किया होगा आपने प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स में, क्यूब का किया होगा, जिसमें आपने उस क्यूब को क्या किया होगा, पहले ऐसा रखा होगा, फिर आपने क्या किया उसका, ये डायगोनल देखिए, ए और वन डैश और सी डैश, देखिए वन डैश सी डैश डायगोनल क्या, मैंने इसको रखा पैरेलल टू एचपी। कैसा रखा मैंने, एचपी के पैरेलल। फिर मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया, क्या किया, इसको रोटेट कर दिया। रोटेट इस तरह से किया कि ये वाला सी थ्री यानी कि सी थ्री सी डैश थ्री डैश वाला जो एज है, ये सामने फ्रंट में आ जाए। इस तरह से इसको मैंने क्या कर दिया, घुमा दिया इस ऑब्जेक्ट को। घुमाने पर क्या होगा, अगेन आपको वही पिक्चर मिलेगी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, सेम कंडीशन है। ओके, तो आप देख सकते हैं वही इसका फ्रंट व्यू है, वही इसका टॉप व्यू है। सेम फिगर मैंने यहाँ पे लिए हैं, ताकि आप देख सकें कि एक्चुअल में क्या था उसकी एजेस। यहाँ पे देखिए, इसकी एजेस क्या थी, यहाँ पे बड़ी थी, मगर यहाँ पे क्या हो गई है, ये एजेस क्या हो गई, छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई, ये भी छोटी हो गई है। एक्चुअल में एजेस की लंबाई कुछ ज्यादा थी, मगर यहाँ पे भी इसके एजेस की लंबाई क्या हो गई, शॉर्टर हो गई है। आप देख सकते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में किस तरह से इसके साइज को छोटा होता हुआ आप देख पा रहे हैं, यानी कि इसके साइज क्या हो रहा है, शॉर्टर हो रहा है। अब कितने शॉर्टर होंगे, इसके लिए हमें आगे पढ़ना होगा। तो अगली स्लाइड इसी पर है कि कितने परसेंट यानी कि बाय किस रेशियो वो शॉर्टर हो रहे हैं। तो अगली स्लाइड मेरी इसी पर है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसी फिगर को उठाया, यानी कि इसके जो फाइनल फिगर था इसको मैंने उठाया और इसको ले गया नेक्स्ट स्लाइड पर, यानी कि इसको मैं उठा के यहां पर ले आया। पहले चीज पढ़ते हैं आइसोमेट्रिक स्केल के बारे में। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन इज ड्रॉन यूजिंग आइसोमेट्रिक स्केल विच कन्वर्ट्स ट्रू लेंथ इनटू आइसोमेट्रिक लेंथ। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जो लेंथ लिया जाता है वो शॉर्टर होते हैं, ज्यादा शॉर्ट नहीं होता, स्लाइटली शॉर्टर होते हैं। ओके, मगर वो कितने शॉर्टर होते हैं, उस लेंथ को निकालने के लिए हम आइसोमेट्रिक स्केल को ड्रॉ करते हैं, जिससे हमें डायरेक्टली वो लेंथ मिल जाती है। कौन सी लेंथ, जो एक्चुअल में शॉर्ट होके आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में हमको लेनी है। ओके, तो उसी फिगर को मैंने लिया। यू कैन सी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ अ क्यूब। अब ये एंगल 30-30 पर है आइसोमेट्रिक को, क्योंकि 30 डिग्री पर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है, क्योंकि आप देखिए इस कर्सर पे ध्यान दीजिएगा माउस के, अगर मैं सी पॉइंट से लाइन नीचे ड्रॉ करूं, ओके, यू कैन सी, अगर मैं इसको नीचे ड्रॉ करूं तो यू कैन सी दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये कितना एंगल हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, दिस इज 30, यू कैन सी ना, दिस एंगल इज 30, दिस एंगल इज 60, ओके, क्योंकि अपन को पता है ना ये एंगल कितना है टोटल, ये एंगल कितना है, ये एंगल कर्सर पे ध्यान दीजिएगा प्लीज, दिस एंगल इज 120 डिग्री, ओके, तो ये और ये साइड्स के आपस में पैरेलल है, तो अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 120 डिग्री के बराबर, होगा नहीं होगा, ये 120 डिग्री के बराबर अगर ये साइड हो गया, मतलब ये एंगल हो गया, यानी कि उसमें से 90 माइनस कर दूं कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, सेम केस यहां पर है, इसलिए आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग्स को 30 डिग्री विद द रेफरेंस लेके बनाया जाता है। अब कोई ये क्वेश्चन मत पूछना कभी मुझसे कि ये 30 डिग्री एंगल क्यों लेते हैं अपन, ये 30 होगा तो ये कितना होगा, ये 60 डिग्री एंगल होगा, आपको पता है सारे एंगल्स आपस में क्या है, बराबर है, 120 डिग्री के बराबर है, ओके। अब मैंने क्या किया, ये तो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग थी, ये आइसोमेट्रिक फिगर था, मगर अगर मैं बात करूं स्केल की तो यहाँ पे एक्चुअल में होना क्या था, आप राइट साइड में तीसरा फिगर पे फोकस कीजिए, दूसरे पे फोकस मत कीजिए, तीसरे पे आप देखेंगे ये तो आइसोमेट्रिक में क्या हो रहा था, ये एज अ आपको रोम्बस नजर आ रहा था, कैसा नजर आ रहा है, ये रोम्बस नजर आ रहा है, मगर एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में इसका फेस रोम्बस था क्या, नहीं था, इसका फेस तो स्क्वायर शेप का था, कैसा था, स्क्वायर शेप का, तो मैंने उसी स्क्वायर को यहाँ पर ड्रॉ किया है, देखिए एफ ई एच ए, ठीक है, मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया क्योंकि यहां पे तो मुझे ऐसा रोम्बस नजर आ रहा है, यहां पे तीन रोम्बस नजर आ रहा है, तीन रोम्बस आपस में क्या है, बराबर शेप और साइज के हैं, मगर एक्चुअल में क्या था, क्यूब का जो फेस था वो तो रोम्बस था ही नहीं, वो क्या था, वो था स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर को मैंने कुछ नहीं किया, यहां पे उठाया, यहां पे चिपका दिया, यानी कि यहां से कॉपी किया, यहां पे पेस्ट कर दिया, क्यों पेस्ट किया, देखिए यहां पर जो ब्लू कलर से आपको डार्क लाइन से नजर आ रहा है, दिस इज अ दैट यू कैन से रोम्बस जो आपको नजर आ रहा है इन अ आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, आप देखेंगे क्योंकि यहां पर जो एंगल है 30 डिग्री लिया है मैंने, तो ये एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, और क्यों होगा, ये दो लाइन आपस में पैरेलल है और ये साइड आपस में पैरेलल है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री बराबर हो गया, तो याद रखिए यहाँ पे 30 डिग्री पे जो लेंथ मिल रही है आपको वो आइसोमेट्रिक मिल रही है, कौन सी मिल रही है, आइसोमेट्रिक लेंथ मिल रही है, आपको समझ में आ रहा होगा, और एक्चुअल जो लेंथ मिलेगी वो 45 डिग्री मिलेगी, क्यों मिलेगी, आप देखिए मैंने अगर इस एफ और एच को दो हिस्से में तोड़ दूं, राइट, तीसरा फिगर देखिए, एफ और एच को दो हिस्से में तोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ये एंगल 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, तो मैंने एज इट इज इसको उठाया, यहाँ पे कॉपी किया, यहां से यहाँ पेस्ट कर दिया, तो कैसे किया, यहाँ पे देखिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये एफ और एच को मैं इस एफ और एच पर रख दूं, यानी कि इस स्क्वायर को उठा के यहां पर रख दूं, सेम डायगोनल में लूं, एफ और एच और एफ और एच डायगोनल यहाँ पे सेम है, तो क्या होगा, ये कितना एंगल था यहाँ पर, यहाँ पे 45 डिग्री था ना, यहाँ 45, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा एंगल, यहाँ भी 45 पे आएगा, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अलग से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा, मगर ये स्क्वायर की जो साइड है आप देखेंगे इस डायगोनल से कितना एंगल मेंटेन कर रही है, 45 करेगी, तो हम क्या करेंगे, आइसोमेट्रिक स्केल को ड्रॉ करने के लिए हमेशा दो लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, एक लाइन ड्रॉ करूंगा ये जो F और E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस फिगर में, जो कि 45 डिग्री पर होगी, और एक ड्रॉ करूंगा आइसोमेट्रिक लाइन के लिए, यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ के लिए, जो कि हमेशा 30 डिग्री पे रिप्रेजेंट करूंगा। अब क्या करेंगे हम, अब अगले स्लाइड में पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन की, वो जो लाइन शॉर्ट हो रही है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में वो कितनी शॉर्ट हो रही है, उसका कैलकुलेशन है, बहुत छोटा सा है, प्लीज आप देखिएगा उसको। तो मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा E1 से लेकर यहां पर, इसको ज्वाइन करूंगा, इतने पोर्शन को मैं कंसिडर करूंगा एज अ ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल पे ही पूरा कैलकुलेशन मेरा बेस्ड है, ओके। तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा, तो इसी फिगर को कंटिन्यू करता हूं, देखिए मैंने उसी फिगर को लिया, यानी कि इसी फिगर को लिया, ओके। तो इसी फिगर में मैंने क्या किया, इस एफ और आर को ज्वाइन किया मैंने, यहां से एक लाइन ऊपर लेके गया, और मैंने इस लाइन यहां से एक लाइन ड्रॉ की, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, जैसे कि अपन ने साइड ड्रॉ की थी अभी स्क्वायर की, कितने एंगल पे ड्रॉ की थी, 45 डिग्री पर ड्रॉ की थी, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जहां पे इंटरसेक्ट होंगी, इसको पी मार्क कर दिया, और यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है मैंने 30 डिग्री पर, ये लाइन पे जहां इंटरसेक्ट होगी इसको मैंने क्यू नाम दे दिया, और इसको तो मैं नाम आर पहले ही दे चुका था, तो याद रखिएगा यहाँ पे मेरे दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है क्यू एफ आर और एक हो रहा है पी एफ आर, यानी कि दो ट्रायंगल लूंगा, अब इस दो ट्रायंगल से मैं कुछ कैलकुलेशंस करने वाला हूं, प्लीज देखिएगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये ट्रायंगल को मैंने एज इट इज इस फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्क कर लिया है,
PFR और QFR, ये दो ट्रायंगल्स मैंने मार्क कर लिए हैं। अब आप देखिए, पहले चीज आपको बात करनी पड़ेगी आरएफ की। तो यूनिट नंबर वन जो पढ़ी थी आपने स्केल्स, उसमें आरएफ जरूर पढ़ा हुआ आपने। आरएफ था क्या? आरएफ था लेंथ इन ड्रॉइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, यानी कि जो ड्रॉइंग के लिए आप लेंथ लेने वाले हैं डिवाइडेड बाय उसका एक्चुअल लेंथ, ये आरएफ होता था। यहाँ की बात करें तो एक्चुअल में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो जब हम आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपको पता है डायमेंशंस क्या होंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। तो उन डायमेंशंस को कहेंगे अपन आइसोमेट्रिक डायमेंशंस, कह सकते हैं या आइसोमेट्रिक लेंथ कहें सबसे बढ़िया रहेगा। तो उसको क्या कह रहा हूं मैं, आइसोमेट्रिक लेंथ कह रहा हूं। क्या बोल रहा हूं उसको मैं, आइसोमेट्रिक लेंथ, क्योंकि ड्राइंग आरएफ क्या कहता है, आरएफ कहता है जो डायमेंशंस आप ड्राइंग में लेने वाले हो उसको रखेगा न्यूमीटर में। तो मैंने यहाँ पे न्यूमीटर में क्या रखा, आइसोमेट्रिक लेंथ, यानी कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए जो लेंथ लेने वाला हूं क्योंकि वो शॉर्टर है तो उन्हें मैं कह रहा हूं आइसोमेट्रिक लेंथ। तो यहां रखा मैंने आइसोमेट्रिक लेंथ, और डिवाइड क्या होता है आरएफ का फॉर्मूला, डिनोमीटर में क्या आता है उसका एक्चुअल लेंथ यानी कि ट्रू लेंथ। तो यहां क्या लिखा मैंने, ट्रू लेंथ। ओके, तो ये हुआ आरएफ किसके लिए, आइसोमेट्रिक स्केल के लिए। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यहां पे दो ट्रायंगल ले रहा हूं, एक ट्रायंगल लिया मैंने छोटा वाला दैट इज क्यू एफ आर यहां पे लिया, और एक ट्रायंगल मैंने कौन सा लिया, पी एफ आर दैट इज पी एफ आर। अब इसमें क्या किया मैंने, कॉस थीटा यूज किया, आपको मालूम है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है, बेस क्या हो जाएगा इसका, एफ आर बेस हो जाएगा इस छोटे वाले ट्रायंगल का, और एफ क्यू क्या हो जाएगा इसका, हाइपोटेनस हो जाएगा, तो एफ क्यू इसका हाइपोटेनस हो गया। और फिर मैंने क्या किया, इस एफ क्यू को मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ आर निकल के आएगा एफ क्यू कॉस 30 डिग्री, ये हो गया इक्वेशन नंबर वन। अब बात कर रहा हूं मैं सेकेंड ट्रायंगल के लिए भी, जो बड़ा वाला ट्रायंगल था पी एफ आर, तो यहाँ पे भी मैंने सेम रिलेशन यूज किया, cos 45 एंगल है यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाए cos 45, बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा बेस कितना है यहाँ पे, बेस तो सेम है FR के बराबर, और हाइपोटेनस कितना है इसका, हाइपोटेनस इस बार FP हो जाएगा, कितना हो जाएगा FP। ओके, तो FP क्या हो गया यहाँ पे, हाइपोटेनस हो गया मैंने रखा, तो FR मैंने यहाँ से निकाला, तो अगेन ही हो जाएगा FP cos 45 डिग्री, इसे इक्वेशन नंबर दो नाम दे दिया, क्योंकि FR दोनों किसके बराबर है, किसी किसी टर्म के बराबर है, तो मैंने आपस में दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू। तो आपको क्या मिलेगा, एफ आर कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू एफ पी कॉस 45 डिग्री, ये रिलेशन आपको मिला। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के लिए एफ क्यू के नीचे किसको ले आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से मैं एफ पी को नीचे ले आया, तो हो गया ये एफ क्यू अपॉन एफ पी, और कॉस 30 डिग्री को यहाँ डिनोमीटर में ले आया, तो ये हो जाएगा cos 45 डिग्री डिवाइड बाय cos 30 डिग्री। तो आप cos 45 पता ही 1 बाय रूट 2 होता है, cos 30 होता है रूट 3 बाय 2, उनको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 9 बाय 11, और इनको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे यू विल गेट द एप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट इज 0.816, कितनी है 0.816, यानी कि आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हो लेंथ कितनी शॉर्ट होने वाली, यानी कि फॉर एग्जांपल हाइट है, हाइट 60 mm का है, और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए उसकी हाइट को आपको लेना है, तो उसमें क्या करोगे 60 इंटू क्या करोगे आप 0.816 का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको जितना हाइट छोटा होना होगा वो मल्टीप्लीकेशन के बाद उतना मिल जाएगा, यानी कि शॉर्टर होने के बाद कितना हाइट उसका होना चाहिए इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन यू विल गेट दिस वैल्यू बाय डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग बाय द डायमेंशन बाय 0.816। जनरली परसेंटेज की बात करें तो 81 या 82% आप बोल सकते हैं, यानी कि वो डायमेंशंस 82% के आसपास रह जाएंगे, यानी कि अराउंड 18% वो शॉर्टर हो जाएंगे। तो ये कैसे पता चला, ये इस कैलकुलेशन से पता चला। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा। यानी कि अब बात करते हैं आइसोमेट्रिक स्केल हम ड्रॉ कैसे करें, क्योंकि अभी ये पता चला अपन को कि कितना शॉर्टर होगा, ये 18% करीब डायमेंशन सारे सारे शॉर्ट होने वाले हैं। ओके, अब बात करते हैं इस आइसोमेट्रिक स्केल को बनाया कैसे जाता है। तो आप देखिए देयर इज आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक स्केल जैसे कि अपन ने फिगर में डिस्कस किया था यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री पर जो आइसोमेट्रिक एक्चुअल स्केल को रिप्रेजेंट करेगी, और एक ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री पर जो आइसोमेट्रिक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी। तो वही चीज यहाँ पे ले रहा हूं मैं, एक पॉइंट ए मार्क किया मैंने, एक लाइन ड्रॉ की ए बी, यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कितना एंगल पर ड्रॉ की 45 डिग्री पर ड्रॉ की, ये एक्चुअल लेंथ होगी जैसा कि आपका स्केल होता है। ओके, सेम लेंथ स्केल वाली यहाँ पर मेंशन करोगे आप, और एक लाइन ड्रॉ करोगे यहाँ से ए पॉइंट से, कितने एंगल पे फ्रॉम ए बी दैट इज 30 डिग्री, आपने एक लाइन ड्रॉ की और इस तरह से आपने स्केल को कंप्लीट कर लिया। ओके,
कितनी भी लेंथ के लिए आप इसको बना सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं स्पेसिफिक कितनी लेंथ के लिए होता, किसी भी लेंथ के लिए आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। और बात करते हैं इसको ड्रॉ कैसे करना है, आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मार्क करने हैं, जैसे स्केल में मार्क करते हैं ना वैसे ही मार्क करो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितना आपको लेंथ का ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, पॉइंट मार्क कर दिए, मतलब ये पॉइंट कैसे मार्क करोगे, स्केल के अकॉर्डिंग स्केल रखिए आप, स्केल से इस पॉइंट को मार्क कर दीजिए, ये स्केल के डायमेंशन के बराबर ही है। फिर यहाँ पे आइसोमेट्रिक लाइन निकालने के लिए क्या करना होगा, इन सारे पॉइंट से आप क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आप, जीरो से पहला का जो पोर्शन है यहाँ पे क्या किया गया, वर्टिकल लाइन ड्रॉ की गई है। कैसी लाइन ड्रॉ की गई है, ए बी के परपेंडिकुलर, कैसी ड्रॉ की है, ए बी के परपेंडिकुलर, या भी कह सकते हो इस बी सी के पैरेलल। ओके, तो ये लाइन ड्रॉ करनी मतलब बिल्कुल नीचे लेके आनी है, ए बी के परपेंडिकुलर लाइन, और ये लाइन जहां पर भी इस 30 डिग्री वाली लाइन यानी कि एडी लाइन पर कट करेगी या टच होगी, वो लेंथ ऑटोमेटिकली कितना शॉर्टर कर देगा, 0.816 जो फ्रैक्शन था आपने देखा था उतना वो उसको शॉर्ट कर देगा, यानी कि ये डायमेंशन जो मिलने वाले हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए से लेकर ओ जो लेंथ था ये 100% था, तो ये ए से लेकर ओ डैश जो लेंथ मिलने वाला है दैट इज 82%, कितना होगा अप्रोक्स 82%, यानी कि वो 18% शॉर्ट करके ही आपको इस लेंथ पर डाइमेंशंस देगा। ओके, सो सब में आपको ऐसे ही करना है, जितने भी पॉइंट्स मार्क करेंगे सबको आप नीचे ले आएंगे ए बी के परपेंडिकुलर, और डायरेक्टली इस पॉइंट से क्या करना है, आपको कॉम्पास लेना है, सपोज मुझे 3 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रॉ करना है इन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, तो क्या करूंगा, एक्चुअल तो क्या होगा ए से 3 होगा, मगर उस लेंथ को मैं कितनी लूंगा आइसोमेट्रिक पोजीशन के लिए, ए से लेकर 3 डैश, यानी कॉम्पास लूंगा ए पर रखूंगा और 3 डैश का डिस्टेंस लूंगा, और वो डिस्टेंस लेके मैं वो आइसोमेट्रिक पोजीशंस ड्रॉ कर लूंगा, तो डायरेक्टली मुझे इस स्केल से आइसोमेट्रिक लेंस प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा अभी तक। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक पोजीशन के बीच का अंतर। आइसोमेट्रिक व्यू होता क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू या ड्राइंग जो अपन कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी डायमेंशंस अपन लेते हैं वो एक्चुअल डायमेंशंस लेते हैं, यानी कि ड्रॉ तो करते हैं आइसोमेट्रिक व्यू, यानी कि ड्रॉ तो करते हैं अपन आइसोमेट्रिक, मगर उसमें करते क्या है अपन, डायमेंशंस अपन एक्चुअल लेते हैं। ओके, तो उसी को आइसोमेट्रिक व्यू या आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग कहा जाता है, मगर आइसोमेट्रिक पोजीशन में क्या होता है, आइसोमेट्रिक पोजीशन में जो हम डायमेंशन लेते हैं वो आइसोमेट्रिक स्केल से लेते हैं, यानी कि इसमें साइज होता है ऑब्जेक्ट का क्या होता है, शॉर्टर हो जाता है। ऑलरेडी आपने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि आइसोमेट्रिक पोजीशंस ड्रॉ करते हैं तो उसमें साइज ऑब्जेक्ट का क्या होता है, स्लाइटली छोटा हो जाता है, तो उसके लिए हमें शॉर्टर डायमेंशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे वहां पे आइसोमेट्रिक स्केल का यूज करेंगे, यानी कि उसे रिड्यूस स्केल भी कहा जाता है, तो उस स्केल का हम यूज करेंगे और उस स्केल के माध्यम से जो अपन को लेंथ मिलेगी उस लेंथ को लेके हम ड्रॉइंग करेंगे। जैसे कि यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है। ओके, इसका फ्रंट व्यू दिख रहा है आपको, ये टॉप व्यू दिख रहा है, क्यूबॉइड मान सकते हैं इसको आप। ओके, तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, आइसोमेट्रिक पोजीशन आपने बना लिया यहाँ पे, इसमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाया, देखिए दोनों बन तो एक जैसे रहे मगर ये साइज में क्या है, आइसोमेट्रिक व्यू थोड़ा बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि इसको एक्चुअल लेंथ लेके ड्रॉ किया गया है और इसको आइसोमेट्रिक लेंथ लेके यूज किया गया है, यानी कि जो लेंथ मुझे आइसोमेट्रिक स्केल पर मिल रही है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोमेट्रिक पोजीशन और व्यू में क्या अंतर है, सब कुछ सेम है आइसोमेट्रिक पोजीशन व्यू में, डिफरेंस यही है कि आइसोमेट्रिक व्यू और ड्राइंग में अपन एक्चुअल साइज लेके बना रहे हैं जैसे कि स्केल से हम ड्रॉ करते हैं, और आइसोमेट्रिक पोजीशन में हम शॉर्टर डायमेंशन लेके ड्रॉ कर रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये जितना भी प्रेजेंटेशन था मेरा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।